यदि आप एक प्रीमियम लैपटॉप सर्च हैं स्पेशली गेमिंग या कंटेंट क्रिएशन के लिए तो लेनोवो का ये लैपटॉप आपके लिए परफेक्ट ऑप्शन हो सकता है यह है लेनवो का लेटेस्ट रिलीज लैपटॉप 9 मैं इस लैपटॉप का अराउंड वन मंथ से डेली बेसिस पर कोडिंग वीडियो एडिटिंग और गेमिंग के लिए यूज कर रहा हूँ एंड लेट मी टेल यू मैंने इस लैपटॉप को अपने पर्सनल यूज के लिए खरीदा है एंड मैं इसे थर्टी टू थर्टी डेज से रेगुलर बेसिस पर यूज कर रहा हूँ मुझे इस लैपटॉप में काफी सारी चीजें पसंद तो आई है बट कुछ चीजें इस लैपटॉप में हमें डिसअपॉइंट भी करती है सो जानते हैं क्या यह लैपटॉप आपके लिए एक अच्छा ऑप्शन होगा या नहीं डिजाइन और बिल्ड क्वालिटी को देखा जाए तो ये लैपटॉप प्रीमियम फील के साथ आता है प्लास्टिक और एल्यूमिनियम का कॉम्बिनेशन होने की वजह से यह सॉलिड और स्टडी फील होता है लैपटॉप की बिल्ड क्वालिटी काफी अच्छी है जिससे इवन की और स्क्रीन पर भी हमें बिल्कुल भी फ्लेक्स देखने के लिए नहीं मिलता है इवन हिंज क्वालिटी भी परफेक्टली बैलेंस्ड है जिससे आप लैपटॉप लेट को सिंगल फिंगर से ओपन कर सकते हैं इस लैपटॉप का हिंज 180 डिग्री तक ओपन हो सकता है तो आप इसे अपने कंफर्ट के हिसाब से किसी भी एंगल पर सेट कर सकते हैं

नहीं करना पड़ा परफॉर्मेंस देखा जाए तो मैं इस लैपटॉप के कस्टम वेरियंट को यूज कर रहा हूँ जिसमें इंटेल का कोर आई नाइन फोर्टीन टेन प्रोसेसर और इनफीडिया का फोर्टी सिक्सटी एट जीबी ग्राफिक कार्ड मिलता है मुझे लैपटॉप में प्रोसेसर ज्यादा बेहतर चाहिए था वीडियो एडिटिंग और कोडिंग के लिए यदि आपका पर्पज गेमिंग है तो आप कोर आई सेवन प्रोसेसर और फोर्टी सेवेंटी ग्राफिक कार्ड के साथ भी इसे कस्टमाइज कर सकते हैं इस कॉम्बो में आपको बेटर फ्रेम रेट्स मिल जाएंगे ट्रिपल ए गेम्स में डेली यूसेज में अभी तक मल्टीटास करते टाइम मुझे इस लैपटॉप में परफॉर्मेंस से रिलेटेड कोई भी इशू

रैम के साथ भी यूज कर रहे हैं अभी के टाइम पर हमें कुछ ही लैपटॉप मिलते हैं जिसमें रैम और एस को अपग्रेड करने का ऑप्शन मिलता है गॉड ऑफ वार स्पाइडरमैन जैसे गेम्स को, सेटिंग पर, खेला War, जैसे गेम्स को सेटिंग पर खेलने पर मुझे नाइन टू वन ट्वेंटी तक देखने के लिए मिल रही थी आप इसकी सेटिंग को ट्विक करके और बेहतर एफ भी गेन कर सकते हैं जनरली मेरा वर्क कोडिंग और वीडियो एडिटिंग से रिलेटेड है प्रायोरिटी गेमिंग है, तब भी आपको ये लैपटॉप बिल्कुल भी डिसअपॉइंट नहीं करेगा हमें इसमें इन्फीडिया स्टूडियो का सपोर्ट भी मिलता है जिससे प्रीमियर प्रो और बाकी वीडियो एडिटिंग एप्स के लिए ये ग्राफिक कार्ड परफेक्टली ऑप्टीमाइज है साथ ही हमें इसमें इन्फीडिया की ए आई एप्स का सपोर्ट मिल जाता है जैसे आप इन्फीडिया की कैनवास एप में पेंटिंग सीन्स को कन्वर्ट कर सकते हैं एक प्रॉपर सीनरी में ब्रॉडकास्ट ऐप की मदद से आप अपने को एक प्रोफेशनल लुक दे सकते हैं और चैट आर ऐप से आप ऑफलाइन चैट जीपीटी जैसा जीपीट भी जनरेट कर सकते हैं यदि आपकी ड्रॉइंग अच्छी है तो डेफिनेटली आप इसे आर्टिस्टिक वर्क के लिए यूज कर पाएंगे वॉट आई नोटिस यदि आप लैपटॉप को हाई परफॉर्मेंस मोड पर लॉन्ग टाइम तक यूज करते हैं तो ये स्लाइटली वार्म जरूर हो जाता है आपको टच पैड के राइट साइड पर और कीबोर्ड के टॉप साइड के एरिया में वार्मनेस फील होती है गुड थिंग इज एयर वेंटिलेशन अच्छा होने की वजह से से हमें बैक और बॉटम साइड पर सफिशियंट वेंट्स मिलते हैं जो इंटेंस वर्क लोड में भी इसे कूल cool रखने में मदद करते हैं। बट हाई यूसेज में एयर ब्लो आउट का साउंड इज़ली नोटिसेबल है हाउ लाउड इट कैन बी गुड थिंग इज हमें परफॉर्मेंस के हिसाब से इसमें मल्टीपल मोड्स पे स्विच करने का ऑप्शन मिल जाता है जिससे आप लैपटॉप को परफॉर्मेंस क्वाइट और बैलेंस मोड पर यूज कर सकते हैं ऑन बैटरी हम इसे साइलेंट और हाइब्रिड मोड पर ही यूज कर सकते हैं परफॉर्मेंस मोड के लिए आपको इसे पावर अडाप्टर से कनेक्ट करना जरूरी है यदि आप लैपटॉप को मल्टीटास्ककिंग या फिर डॉक्यूमेंट एडिटिंग जैसे वर्क के लिए यूज कर रहे हैं तो आप लैपटॉप को साइलेंट मोड पर स्विच कर सकते हैं इंटरेस्ट नी ये लैपटॉप साइलेंट मोड पर एक फैनलेस लैपटॉप की तरह वर्क करता है हमें फैन की बिल्कुल

ज में हमें टेक्सटाइल फीडबैक मिलता है जो काफी सेटिस्फाइंग है आप लॉन्ग आवर्स तक के टाइपिंग सेशन में भी की को कंफर्टेबली यूज कर सकते हैं यू माइट नोटिस हमें हमें में को का की की भी देखने के लिए मिलता है, like मिलता है है आई फाइंड यूजलेस इट फील्स लाइक एक डेडिकेटेड जिससे हम को की वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं मुझे ये फीचर बिल्कुल भी पसंद नहीं आया थैंकफुली हम इस की को रीमैप करके कंट्रोल या फिर किसी भी की पर मैप करके यूज कर सकते हैं टचपैड को देखें तो ये स्मूथ और रिस्पॉन्सिव है आई डू लाइक इसका साइज सफिशियंट

एस डी कार्ड रीडर थ्री पॉइंट टू यू एस बी जेन टू कैमरा ऑन ऑफ स्विच और यूएस बी थ्री पॉइंट टू जैन वन का पोर्ट मिल जाता है लेफ्ट साइड पर हमें यू एस बी एन वन यू एस बी थ्री पॉइंटर बोल्ट फोर और थ्री पॉइंट फाइव एम एम का ऑडियो जैक भी मिल जाता है आप यदि लैपटॉप को मॉनिटर से कनेक्ट करके यूज करते हैं तो हमें बैक साइड पर चार्जिंग और एच डी एम आई टू पॉइंट वन का पोर्ट भी मिलता है जो आपके डेस्क सेटअप को क्लीन रखने में काफी मदद करता है वायरलेस कनेक्टिविटी के लिए हमें इसमें वाई फाई सिक्ससी सेवन और ब्लूटूथ 5.2 का सपोर्ट मिल जाता है मुझे इसे वाईफाई नेटवर्क पर यूज करते हुए टाइम कवरेज या स्पीड का कोई भी इश्यू नोटिस नहीं करना के लिए मिला अब ऑडियो एक्सपीरियंस की बात करें तो हमें इसमें दो वॉट के लेफ्ट और राइट साइड पर डाउन फायरिंग स्पीकर मिल जाते हैं जो डिसेंट आउटपुट देते हैं ऑल दो ये स्पीकर हर पावर्ड है बट ऑडियो क्वालिटी में मुझे कोई ऐसा खास सिग्निफिकेंट इम्प्रूवमेंट देखने के लिए नहीं मिला ये स्पीकर यूट्यूब या फिर अटेंड करने के लिए सफिशियंट है बट ऑनेटलीट ग्रेट स्पेशली यदि आप लैपटॉप को लैप या फिर बेड पर रख के यूज करते हैं तेन डाउन फायरिंग स्पीकर होने की वजह से ये इतना अच्छा ऑडियो एक्सपीरियंस नहीं देते हैं इट वुड बी मच बेटर यदि हमें स्पीकर फ्रंट साइड पर मिलते तो और बेहतर हो सकता थाउ लाउड इट कैन बी इट्स गुड टू सी हमें साउंड कैलिब्रेट करने के लिए नैमिक ऐप का सपोर्ट मिलता है जिससे हम ऑडियो एक्सपीरियंस को अपनी प्रेफरेंस के हिसाब से फाइन ट्यून कर सकते हैं साथ ही हमें इसमें मल्टीपल प्रीसेट मोड्स का ऑप्शन भी मिल जाता है जिससे आप डिफरेंट साउंड प्रोफाइल्स पे ईजिल स्विच कर पाते हैं ये ऐप एक्चुअली आपके लैपटॉप के साउंड एक्सपीरियंस को बेहतर बनाने में मदद करती है वीडियो कॉल्स के लिए हमें इसमें फुल एच डी मिलता है जो डिसेंट लाइटिंग कंडीशन में भी काफी अच्छा परफॉर्म करता है इस फुटेज से आपको एक रफ आइडिया लग जाएगा वेब क्वालिटी का जो आप अभी वीडियो देख रहे हैं वो मे वेब कैम और इंटरनल माइक के थ्रू रिकॉर्ड कर रहा हूँ एंड आई थिंक इज इट अ जॉब टू नोट मैं अभी कोई भी स्टूडियो लाइट को यूज नहीं कर रहा हूँ ये वीडियो नॉर्मल लाइटिंग कंडीशन में रिकॉर्ड हो रहा है हमें इसमें ब्रॉडकास्ट का सपोर्ट भी मिलता है जो एक्चुअली आपके काम आ सकता है इन्फीडिया की ब्रॉडकास्ट एप जो काफी सारे कुल cool फीचर्स के साथ आती है पर्सनली मेरा फेवरेट है आई कॉन्टेक्ट फीचर इस फीचर से आपकी आईज ऑल टाइम कैमरा की तरफ पॉइंट करती है जब आप देखते नहीं है तब भी आईज आपकी कैमरा की तरफ ही पॉइंट करती है सेकेंड थिंग इज हम इसमें बैकग्राउंड ब्लर का ऑप्शन मिल जाता है जो काफी प्रिसाइसली बैकग्राउंड को ब्लर कर सकता है यू कैन गेट द आइडिया की मेरे बैक ग्राउंड का क्लियर कितना like so, no तब भी आप इस फीचर को यूज कर पाएंगे अब बैटरी बैकअप को देखा जाए तो हम इसमें की बैटरी मिलती है जिससे फुल चार्ज में लैपटॉप थ्री टू थ्री पॉइंट फाइव आवर्स तक ही लास्ट करता है नॉर्मल यूसेज में मेरे लिए बैटरी बैकअप इतना इंपॉर्टेंट नहीं था कॉज मोस्टली मेरा

ग्राफिक पर स्विच कर सकते हैं ये फीचर लैपटॉप की बैटरी परफॉर्मेंस को स्लाइटली बेटर करने में मदद करता है बैटरी मोड पे ट्रिपल ए गेम्स खेलते टाइम हमें सिर्फ 60 टू तो 70 fps मिल जाती है कॉज फुल परफॉर्मेंस मोड पर वर्क नहीं करता है करेंट लैपटॉप मार्केट के हिसाब से हमें इस लैपटॉप में इतना इंप्रेसिव बैटरी बैकअप नहीं मिलता गुड थिंग इस हमें इसमें फास्ट चार्जिंग का ऑप्शन भी मिल जाता है सो सिर्फ दस मिनट चार्ज करके आप इसे थर्टी तक चार्ज कर सकते हैं और थर्टी मिनट चार्ज करके आप इसे सेवेंटी तक चार्ज कर सकते हैं एंड जीरो 100 चार्ज होने में ये अराउंड 80 मिनट्स लेता है इस लैपटॉप के साथ इसमें है साथ 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 like हमें, like हमें इसमें बी टाइप सी चार्जिंग का सपोर्ट भी मिलता है जिससे हम मैक्सिमम वन फोर्टी पावर पर इसे चार्ज कर सकते हैं यदि आप भी मेरी तरह लैपटॉप को मोस्टली चार्जिंग के साथ यूज करते हैं देन यू विल हमें इसमें कंजर्वेटिव मोड का ऑप्शन भी मिल जाता है जिससे लैपटॉप एटी परसेंट चार्ज होने के बाद डायरेक्टली ए सी पावर मोड पर वर्क करता है सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस की बात करें तो हमें इसमें लेनोवो वेंटेज ऐप का सपोर्ट मिलता है जो एक्चुअली काफी सारे कूल cool फीचर्स के साथ आती है वॉट आई लाइक इस की लैपटॉप को बूट करते ही आपको पावर बटन प्रेस करने की जरूरत नहीं रहती हम सिंपली लिड को ओपन करके भी इसे बूट कर सकते हैं हमें नम पैड को माइक्रो की तरह यूज करने का ऑप्शन मिल जाता है एंड ईजिली हम जीपीओ को ओवर भी कर पाते हैं सॉफ्टवेयर में मुझे सिर्फ एक ही कमी लगी कि हम एच की एलईडी को परमानेंटली ऑफ नहीं कर सकते जब भी आप लैपटॉप को बूट करते हैं तो एच डी एम आई की एलईडी लोगो टर्न ऑन हो जाता है एंड इसे आपको एफ एन और यू बटन प्रेस करके ऑफ करना पड़ता है बट एवरी टाइम लैपटॉप बूट करने के बाद डूइंग द सेम थिंग डूंग ऑफर अ गुड एक्सपीरियंस ये इशू लेनोवी सॉफ्टवेयर के अपडेट से फिक्स कर सकता है अपार्ट फ्रॉम दैट सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस काफी अच्छा है मुझे किसी भी टाइप का सॉफ्टवेयर इश्यू नोटिस करने के लिए नहीं मिला अब बात करें क्या ये लैपटॉप आपको कंसिडर करना चाहिए या नहीं यदि आप एक फुल साइज हाई परफॉर्मेंस लैपटॉप सर्च कर रहे हैं जो आपको पोर्टेबिलिटी के साथ डेस्कटॉप जैसा एक्सपीरियंस दे सके देन डेफिनेटली आई वुड से गो विद इट इस लैपटॉप की बिल्ड क्वालिटी डिस्प्ले और परफॉर्मेंस इसे काफी अच्छा ऑप्शन बनाती है बाकी कॉम्पिटर से वट आई लाइक इस हमें इस लैपटॉप में अपग्रेडेबिलिटी का ऑप्शन भी मिल जाता है जिससे हम रैम और एस को भी आसानी से अपग्रेड कर सकते हैं अभी के टाइम पर मोस्टली प्रीमियम सेगमेंट लैपटॉप में भी हमें अपग्रेडेबिलिटी का ऑप्शन नहीं मिलता है जिससे कम्पेयर टू कॉम्पिटिटर ये लैपटॉप काफी अच्छा ऑप्शन है पर्सनली मुझे इस लैपटॉप का व्हाइट कलर वेरियंट काफी पसंद आया है मेजरली लैपटॉप आपको ब्लैक सिल्वर या मेटलिक फिनिश में मिलते हैं ऐसे में व्हाइट लैपटॉप टोटली स्टैंड आउट करता है ऑल दो ये लैपटॉप का व्हाइट पीरियड आपको सिर्फ कस्टम बिल्ट में लेनोवो वेबसाइट पर अवेलेबल है हम इसे ऑफलाइन या ऑनलाइन स्टोर से परचेस नहीं कर सकते हैं नॉट ओनली दैट आप अपनी प्रेफरेंस के हिसाब से लेनोवो वेबसाइट पर विजिट करके इसे कम्पलीटली कस्टमाइज भी कर सकते हैं सो so, मेरे हिसाब से ये लैपटॉप कम्पलीटली वैल्यू फॉर मनी है इट डिपेंड्स हाउ यू आर गोइंग टू यूज इट स्टिल आई थिंक कुछ चीजें इस लैपटॉप में और बेहतर हो सकती थी अभी के टाइम

So thanks for watching, I'll see you in the next one.